2 घंटे में केक भला कैसे तैयार हो सकता है, वो भी अगर सामान। स्वागत है मेरे ब्लॉग में, और आज है शनिवार और आज हमें थोड़ा सा कहीं जाना है। वैसे तो मुझे तिलक नगर जाना है कुछ सामान वामान लेने। पापा मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। आप भी जाओगे? ठीक है, चलेंगे। तो ये देखिए, नहीं बेटा गाइस क्या बोलेंगे आप, कुछ अच्छा बोलो ना बेटा। अच्छा से बेटा नमस्ते बोलो, नमस्ते गाइस, हाथ जोड़ के बेटा। हेलो गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। और ये देखिए क्या खा रही, क्या खा रही है? जैम ब्रेड। जैम ब्रेड गाइस को भी खिला दो जैम ब्रेड। पहले हमारे घर से आज तो खिलाऊंगी। अच्छा गाइस हमारे घर में आएंगे तो खिलाओगे आप? तो गाइस जैम ब्रेड खाने के लिए पहले आपको हमारे घर आना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऑफिस के भी हैं, कुछ वैसे भी दोस्त भी हैं, कुछ व्यूअर भी हैं, कुछ बहुत सारे लोग हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं, अभी मैं निकल रहा हूँ, केक का सामान लेने जाना है मुझे। तो दोस्तों बाय बाय। तो गाइस अब हम जा रहे हैं केक का सामान लेने। तो गाइस मैं आ चुका हूँ केक का सामान लेने, और मेरी वाइफ गई है केक का अभी शॉप पे, अभी सामान ले रही है और मैं अभी वेट कर रहा हूँ फिलहाल, फिर सामान देते हैं फिर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों केक का इतना सारा सामान होता है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ये मेरी वाइफ को ही पता होता है कौन सा फ्लेवर में क्या यूज़ होता है, क्या क्या है। तो देख रहे हैं दोस्तों ये सब। सो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं घर, और केक का ऑर्डर आया है तो केक बन रहा है। तो आपको चलिए आप लोगों को मैं केक भी दिखा देता हूँ कि केक कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर केक बनने का। तो देखिए केक बन रहा है, तो चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये केक बन रहा है, कौन सा केक है ये? चॉकलेट सिंपल चॉकलेट केक है दोस्तों। तो ये देखिए, अगर आप लोग को भी ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए ये सारा सामान रखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए केक प्रोसेसिंग चल रहा है, केक जो है ऑर्डर आया है तो उसका वो हो रहा है, और यहाँ पे देखिए शूट भी चल रहा है, जो कि मैडम का यूट्यूब चैनल है निकी केक एंड किचन, आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसको बॉक्स को भी, केक का जो बॉक्स होता है ना वो मैं बनाऊंगा अभी, तब तक जब तक केक बन रहा है तब तक मैं ये रेडी कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 1 बजे केक देना है और अभी बज रहा है 11। तो ठीक है 2 घंटा। और केक में क्या होता है दोस्तों कि जो पूरा रेडी करने के बाद में कम से कम उसको 1 घंटा चाहिए होता है फ्रिज में रखने के लिए, तभी वो सही हो पाता है दोस्तों। तो मतलब 12 बजे तक रेडी हो जाना चाहिए, 1 घंटे में वैसे हो जाएगा रेडी। ठीक है। पापा ये आप घर बना रहे हो ना? नहीं बेटा ये केक का बॉक्स है, तो केक पैक होगा ना, तो केक का बॉक्स इसमें पैक होगा। ठीक है। ओ यार ये तो पापा ये फट गया, पापा देखो पापा फटा नहीं है बेटा, वो तो ये वो ऐसे ही होता है पापा, ये नहीं ये फटा नहीं है बेटा, ये ऐसे लगाने के लिए होता है। देखो अब बात है ना, एक मिनट रुक जाओ बस। तो दोस्तों इतना भी मुश्किल नहीं है, बात तो सही है, दौड़ा कर। तो दोस्तों देखिए बेस बन के रेडी हो चुका है ये, अब ये फ्रिज में रखा जाएगा 20 मिनट तक, उसके बाद में इसमें जो डेकोरेशन होता है, जो फाइनल डेकोरेशन होता है वो होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग फ्रिज में रखते हैं इस केक को, और फिर 20 मिनट के बाद में हम लोग निकालेंगे और इसको फिर डेकोरेट करेंगे इस केक को। ठीक है। तो दोस्तों इसको हमने रख दिया है 10-20 मिनट के लिए फ्रिज में, और दोस्तों देखो 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश के बाद में आज मौसम कितना क्लियर है, बहुत है साफ सुथरा सा मौसम है। तो दोस्तों अब फ्रिज में से निकाल के अब ये देखिए ये केक का हो रहा है ड्रिपिंग। दोस्तों आप देख के बताइए कैसा लग रहा है देखने में, आपको टेस्ट तो आप खा के ही बता सकते हैं। सो गाइस ये आ चुका है केक का फाइनल टच, और आपको कैसा लग रहा है डेकोरेशन आप बताइए। एक्चुअली क्या था कि ये सिर्फ 2 घंटा हमें मिला था केक डिलीवर करने के लिए,